भी चाहिए, लड़कियों चाहिए लड़का, भगा दूंगा आप बेइज्जती करके। ठीक है भैया, अगर आपको लीनियर मोशन में मोशन को स्टार्ट करना है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। फोर्स की वजह से बॉडी क्या होती है, मोशन में आ जाती है, और जो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास के रेशियो के बराबर आता है, पता है तो सबको। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बॉडी फिक्स है, जैसे आपका दरवाजा, एक एंड उसका क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी भी मूव नहीं कर सकता। खिड़की, उसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है भैया, एक एंड फिक्स करके अगर आप एक एंड पर फोर्स लगा, दूसरे एंड पर फोर्स लगाते हो, तो वो बॉडी चलती नहीं है, घूम जाती है, क्या करती है, टर्न हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो टर्निंग इफेक्ट अराइज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। जब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आता है तो वहां पर क्या होता है भैया, टॉर्क आता है, क्या कहते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, उसे क्या कहते हैं भैया, TORQUE, इफेक्ट ऑफ इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है भैया, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, टॉर्क कहते हैं। कितना जाए यार, थोड़ा आगे इधर। तो जो फोर्स किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट ला देता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, टॉर्क कहते हैं। दरवाजे का खुलना, यहाँ पे आप दरवाजे को फोर्स लगा कर क्या करते हो, टर्न लगा कर टर्न कर देते हो। खिड़की का खुलना, और रिंच, देखा रिंच, रिंच को नट में फंसाते हैं, उसका एक एंड फिक्स कर देते हैं, उसके अंदर मोशन नहीं होती, दूसरे एंड पर फोर्स लगाते हैं और वो रिंच क्या करती है, नट के अंदर टर्निंग इफेक्ट ला देती है। वहां पर भी क्या है भैया, टर्निंग फोर्स, टर्निंग फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कर लेंगे, टॉर्क कहेंगे। कौन है भाई, भाई अगले बैच में बैठना, अगले बैच में बैठे। ठीक है, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम वहां पर क्या कहेंगे भैया, टॉर्क, ध्यान रखना भैया। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, अब इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, यहां से देखिए भैया, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ लिखने के लिए, यहाँ पे लिखना ही लिखना है, ये ध्यान रखना, जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो लिखना ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भैया, देखिए देखिए, टू ओपन द डोर वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑन इट्स हैंडल, उसके हैंडल पर क्या लगाते हैं भैया, फोर्स लगाते हैं। द डोर टर्न्स ऑन इट्स हिंग्स, हिंग्स मतलब कब्जे होते हैं, कब्जे के अलावा क्या करता है भैया, दरवाजा आपका घूम जाता है। द लार्जर द फोर्स मोर इज द टर्निंग इफेक्ट, आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे दरवाजा उतनी जल्दी से खुलेगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। यानी क्या हुआ, जो टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट यानी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। समझ गए भैया, पहली बात ये होगी कि जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, सॉरी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भैया, जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, ध्यान रखो। ठीक है, ऑल्सो वी इजिली नोटिस दैट द इट इज इजियर टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग टॉर्क नियर द एंड देन द नियरर हिंग्स। देखिए भैया, सुन लीजिए क्या कह रहा है, अगर आप डोर को आसानी से खोलना चाहते हो तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स हिंग से जितनी ज्यादा दूर होगा, कब्जे से जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। देखिए, आप दरवाजे को खोलना, पहले हिंग्स के पास में अपनी उंगली लगाना, काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके दरवाजा क्या होगा आपका खुलेगा, थोड़ा दूर लगाओ। ठीक है, आपने देखा नहीं है, हैंडल हमेशा एंड में लगाया जाता है, हिंग्स से सबसे दूर लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा आता है। हिंज को बीच में भी लगा सकते हैं ना, सॉरी, ये जो हैंडल होता है उसको बीच में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसकी बीच में आने की वजह से क्या होगा भैया, दूरी कम हो जाएगी, कब्जे से उस हैंडल की दूरी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो वहां पर आपको उतना टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। जितनी ज्यादा दूर है, आपने देखा होगा, ये भी देखा होगा, छोटी रिंच जो होती है उससे नट आसानी से खुलता नहीं है, लेकिन रिंच को बड़ी कर दो नट क्या होता है, आसानी से खुल जाता है। यानी हमने देख लिया, दो चीजें ऑब्जर्व कर ली, कि जो टर्निंग इफेक्ट है एक तो फोर्स के डायरेक्टली होता है, और दूसरा जो एक्सिस है जिसको घुमाना है आपको, उससे दूरी के डायरेक्टली होता है। जितनी ज्यादा दूरी रहेगी भाई, प्लीज, जितनी ज्यादा दूरी रहेगी टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज्यादा आएगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, दरवाजे पे जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा, यानी टॉर्क उतना ज्यादा रहेगा, यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और दूसरा, कब्जे से हिंग से जितनी ज्यादा दूरी रहेगी आपकी, दरवाजा उतनी आसानी से क्या होगा, खुल जाएगा। खिड़की देखा, बड़ी छोटी सी होती है, खिड़की छोटी सी होती है, आप एक बार फोर्स लगा दो थोड़ा सा खुल के रुक जाती है, लेकिन दरवाजा बड़ा सा होता है, एक बार फोर्स लगा दो पूरा दरवाजा एक बार में खुल जाता है।
यानी दरवाजे की साइज बड़ा होने की वजह से उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या हुआ, ज्यादा आया। कम कौन कह रहा भाई? ठीक है भैया, तो टर्निंग इफेक्ट दो फैक्टर के डायरेक्टली होता है, एक क्या है और दूसरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की दूरी। फोर्स जितना दूर लगाओगे टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा। एक फैक्टर और है जो आपको ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, अब देखिए भैया समझ गया, यहां पर ये इतना पूरे लिखना है, दिस इज बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द सेम फोर्स इज लार्जर व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोर। देखिए क्या कह रहा है यहां पर, बाय ऑब्जर्वेशन, यहां पर लिख रहा हूं भैया, ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया भैया, ये आर्म है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये फिक्स रहता है। यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दूंगा ना, वो एंड क्या है भैया, फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, फोर्स यहां पर लगाया, फिर यहां पर लगाया, फिर यहां पर लगाया, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या था, आर वन था, इस केस में डिस्टेंस क्या था भैया, यहां से आर टू था, इस केस में डिस्टेंस क्या था, आर टू था, और इस केस में डिस्टेंस क्या था, आर थ्री था भैया। तो आपको सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट ये वाला फोर्स कहाँ पे देगा, सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो हेयर टर्निंग इफेक्ट जो होगा ये आपका सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, टॉर्क इज डायरेक्टली टू आर थ्री, मतलब सॉरी आर, मतलब आर के डायरेक्टली रहेगा, जितना ज्यादा आर रहेगा उतने ज्यादा क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, किससे किया जाता है, ये टाउ, ठीक है। तो जितनी ज्यादा दूरी रहेगी उतने ज्यादा क्या होगा, फोर्स आएगा। यहां पर आप देखोगे ए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो सबसे ज्यादा टॉर्क कहां पे मिला आपको, सी पर, फिर कहां पर मिला, बी पर, और फिर कहां पे मिला, यानी जब आप सबसे पास में थे हिंग्स के, सबसे कम टर्निंग इफेक्ट आया, जब सबसे ज्यादा दूर थे तो टर्निंग इफेक्ट वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा आया। अगला क्या कह रहा है, टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू, हमने क्या किया भैया, फोर्स, हमने क्या किया भैया, एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपने फोर्स यहां पर पहले क्या लगाया, F1, फिर लगाया F2, और फिर लगाया F3। दूरी क्या है भैया, सेम है, सेम डिस्टेंस पर तीन अलग अलग फोर्स लगाए। हम देख रहे हैं भैया टर्निंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कब आएगा, जब फोर्स क्या होगा सबसे ज्यादा आएगा। देखिए, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3, सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा है, तो उस केस में इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा, सबसे, सो टॉर्क वन टाउ वन इज ग्रेटर देन टाउ टू इज ग्रेटर देन टाउ थ्री। तो हमने देखा, हम क्या लिख सकते हैं इसको, टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ गया भैया, फोर्स आ गया। अब एक फैक्टर और है, ठीक है, क्या है कि भैया देखिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है, ये इनके बीच का एंगल है, ये फोर्स है और ये उनके बीच का एंगल है, ठीक है। अगर अच्छा देखो, दरवाजा आप खोलना चाहते हो तो हमने फोर्स भी फिक्स कर दिया इस केस में, और जो दूरी है वो भी फिक्स कर दी, लेकिन एंगल क्या किया है, ऐसा वेरिएबल किया है। तो जब आप एंगल दरवाजे को ऐसा पकड़ के एकदम दरवाजे के, मतलब कि दरवाजे को, जैसे दरवाजा ना जिस जिस लाइन में दरवाजा है उसी लाइन में फोर्स लगाओ, कैसे बताऊं, चलो देखो, ये देखिए भैया, ये आर्म है, ये फोर्स है, ये आर्म है, ये फोर्स है, ये आर्म है, ये फोर्स है, यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, ये क्या है भैया, 60 डिग्री का एंगल है, और ये क्या है भैया, 90 डिग्री का एंगल है। बताओ सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट किस केस में आएगा, है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बताओ सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट किस केस में आएगा, एक फोर, समझ गया नहीं समझ गया, यहां पर आर भी फिक्स है, फोर भी फिक्स है, फोर्स भी फिक्स है, बस हमने क्या बदला भैया, एंगल बदला है। सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आप किस केस में देखोगे, जब 90 डिग्री का है, यानी जैसे जैसे आप उसके बाद कहां पे देखोगे, 60 पे, 60 पे, और अगर आप 0 पे कर दोगे, यानी जिस लाइन में दरवाजा है, ऐसे जैसे दरवाजे है ना, ये दरवाजा है, मान लीजिए दरवाजा है, ये उसी लाइन में फोर्स लगाओ, वो कब, जब मान लीजिए वहां पर वो क्या हिंग्स लगे हुए हैं, ये दरवाजा है और इसी लाइन में क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, तो कोई टर्निंग इफेक्ट, यानी 0 डिग्री के एंगल पर 0 टर्निंग इफेक्ट था, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते गए वैसे वैसे टर्निंग इफेक्ट क्या हुआ, बढ़ता चला गया, 90 पे क्या हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, तो साइन है, क्या है, तो इसका मतलब जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली इक्वल है भैया,
साइन थीटा के भी, समझ गए भैया? थीटा इज व्हाट? एंगल इन बिटवीन आर एंड फोर्स, आर और फोर्स के। थीटा क्या है भैया? एंगल इन बिटवीन, इन बिटवीन आर एंड एफ, समझ गया? आर और एफ के बीच का एंगल। तो हमने देखा भैया जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली है? आर्म की लेंथ के। जितना बड़ा आर्म रहेगा उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? उतना ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा फोर्स रहेगा टर्निंग इफेक्ट, और जितना बड़ा एंगल रहेगा 0 से 90 के बीच में, ठीक है भैया, उतना ज्यादा टॉर्क आएगा। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये क्या है भैया सेकेंड इक्वेशन है, और ये क्या है भैया थर्ड इक्वेशन है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑन कंबाइनिंग ऑन कंबाइन, यहां पे लिख रहा हूं ठीक है, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया भैया? टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या जाएगा, क्या होगा? आर एफ साइन थीटा, ठीक है भैया। और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने के का इस्तेमाल किया, आर एफ साइन थीटा, के की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 1 होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, समझ गए भैया? तो ये चीजें ध्यान रखना, इसके ऊपर जो मैंने आपको यहां पर बताया ना, इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। रिंच की लंबाई बड़ा होने से क्या होगा? नट आसानी से खुलेगा, क्योंकि रिंच की आर्म की रिंच जैसे बड़ी होगी वही फोर्स आपको ज्यादा टर्निंग इफेक्ट देगा जो पहले छोटे लेंथ पे कम दे रहा था, ठीक है भैया। एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है भैया? अगर आप दरवाजे के पैरेलल में फोर्स लगा दोगे तो उस वक्त किसी प्रकार का कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री पे लगाओगे टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, समझ गए भैया? फोर्स बढ़ाने से आप देखोगे भैया, आप जाते हो गुस्से में तो तेज से लात मारते हो, दरवाजा बड़ी तेज से खुलता है, क्यों? क्योंकि लात के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है? ज्यादा है। और टर्निंग इफेक्ट भी क्या किया उसने, हैंडल को सबसे एंड में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी क्या है? ज्यादा है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर्म की लेंथ बढ़ गई वहां पर, तो टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भैया? तो ध्यान रखना ये जो लिखा हुआ है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टॉर्क क्या होता है भैया? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का इज कॉल्ड टॉर्क, TORQUE, समझ गए भैया? फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? टॉर्क कहते हैं, समझ गए? ठीक है, अब देखिए भैया, वही जो मैंने इन्होंने बताया कि भैया अभी आपको बताया जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली होता है भैया? फोर्स के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन और हमारे फोर्स के। ये देखो ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपका फोर्स है, तो उनके बीच के दूरी के, ये जितनी बड़ी दूरी होगी फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? उतना ज्यादा आएगा, समझ गए भैया? वही लिखा हुआ, खैर इसको आपको देखना की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भैया। अब बता दो भैया, ध्यान दीजिए, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है भैया? वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए भैया, कोई बात नहीं करेगा। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इट्स डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, इट्स डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, गिवन बाय राइट हैंड एंड थंब रूल। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा राइट हैंड थंब रूल याद करो, मैं आपको इतना बता देता हूं, ठीक है, इससे भी इजी तरीका। जब भी आपका फोर्स आर्म को, अच्छा ये फोर्स लग रहा है इस आर्म पर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसको कैसे घुमाएगा इस आर्म को? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है तो भैया आपको बता दूं, कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। कर्ल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर कर्ल फिंगर, देखिए कर ये कहां जा रहा है भैया? एंटी क्लॉकवाइज, तो उंगलियों को ऐसे करो। थंब कहां जा रहा है मेरा? ऊपर। थंब ऊपर का मतलब है कि आपका टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव। टॉर्क क्या होगा? लेकिन इतना झमेला पालने की जरूरत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज फिजिक्स में सारी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज क्या होती है? बस ये ध्यान रखना, समझ गए भैया? बाकी रूल लगाना किसी को ज्यादा गणितज्ञ बनना तो भैया लगा सकता है वो अपना।
ये कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। ये फोर्स इस आर्म को कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे देख रहे हो रूल से, तो उंगली ऐसे ही घूम रही है और थंब कहाँ जा रहा है? अंदर। थंब अंदर का मतलब टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव। समझिए भैया, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क तो भैया आपको पता, टॉर्क क्या होता है? आर एफ। आर क्या है? डिस्टेंस है। एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। फोर्स के साइन यूनिट क्या होती है? केजी मीटर। एस की पावर -2। और ये साइन की कोई एसआई यूनिट नहीं होगी, है ना? तो ये जाएगा केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। तो टॉर्क की एसआई यूनिट ही होगी। और डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर। तो हम देख रहे हैं भैया, ये तो वही आ रहा है जो एनर्जी का आता था। तो इसी ध्यान में रखना, ठीक है भैया? चाहे एनर्जी हो, चाहे वर्क हो, चाहे टॉर्क हो, सबकी एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं भैया? सेम रहते। बस 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 बस, इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही कि हाँ था। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आपको लग रहा हो? ठीक है भैया। ओए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, सर्विस ही कराऊंगा इसके। हाँ देखिए भैया, मुद्दे पे आओ यार, डाइवर्ट मत करो मेरे को, मतलब बहुत मारूंगा, सुअर बना दूंगा तेरे को मार मार के। ठीक है भैया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा भैया? नेगेटिव। और क्लॉकवाइज क्या होगा? बस इतना ध्यान रखना। अरे सही लिखा हुआ है। नहीं, वो शुरू से पढ़ो ना। द मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं भैया? टॉर्क। या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी क्या कहते हैं? सुन लीजिए भैया, ये नाम समझना। ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स बोला ना, पेन किसके गिरा हुआ है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये ध्यान रखना, इसको टॉर्क ही कहते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसके दो नाम, तीन नाम है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है भैया, ये तीन नाम एक ही चीज के हैं, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है ना, उसको ध्यान करके चलना। तो अभी आपको इसमें एक आगे पता लगेगा कि जो मूवमेंट है ना, वो तीन तरीके से हो सकती है। किसी, ये मुझे इसी को घुमाना है, मुझे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको फिक्स कर दिया मैंने, मैं चाहता हूं कि मैं इस पे इसको घुमा दूं। तो मैं किन किन तरीकों से घुमा सकता हूँ? पहला तरीका, मैं इस एंड पर फोर्स लगा दूं, घूम गया। इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसे? जो कि अभी पढ़ रहे हो, टॉर्क। अगर मुझे घुमाना है तो मैं यहां पर एक्स्ट्रा मास रख सकता हूँ, उसको है तब भी घूम जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मास, जो हमने पहले पढ़ लिया, सेंटर ऑफ मास में एम इंटू में आर जो पढ़ा ना मैंने, एम इंटू में आर, वो क्या था? मूवमेंट ऑफ मास। अच्छा, मुझे घुमाना है इसको, एक और तरीका है। कोई बता, दिमाग लगाओ। कोई चलती हुई बॉडी आके इस पे टकरा जाए, कोई चलती हुई बॉडी आके इस पे, यानी मोमेंटम भी इसको टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोलेंगे? तो हमारे पास तीन तरह के मूवमेंट हैं, तीन तरीके से किसी चीज को, आर्म को हम मूवमेंट करा सकते हैं। एक तो एक्स्ट्रा मास रख करके, जिसे हम मूवमेंट ऑफ मास कहते हैं, एक फोर्स लगा के, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, सॉरी, मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है? और एक चलती बॉडी को एक एंड से टकरा देंगे, तब भी ये टर्न हो जाएगा। समझ गए भैया? टर्निंग इफेक्ट लाने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दूसरा तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा तरीका इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है भैया, समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये चीज ध्यान में रखना, कोई आपत्ति विपत्ति। चलो भैया, अब आते भैया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला में निकालना है। ठीक है भैया, ये भी आपका आर्म, जिसकी लंबाई क्या है भैया? आर है। जिसकी लंबाई क्या है? आर है। आपने, चलो ये इसे ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है? अब देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए, इसको मैंने क्या कर दिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहां से आते की दूरी क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से आते की दूरी क्या है? R1 है। और यहां से आते की दूरी क्या है? R2 है। और इन दोनों का सम क्या है? R है। क्या है? R है। आप इस वाले R पर कितना फोर्स लगा रहे हो? F। और इस वाले R पर भी कितना फोर्स लगा रहे हो? F। ठीक है, तो ये R क्या होगा? ऐसे घूमेगा, और ये ऐसे घूमेगा, ठीक है? या फिर ऐसा उल्टा भी लगा सकते हो, फोर्स जरूरी नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा इसमें आंसर। लेकिन चलो पॉजिटिव करते हैं इसमें आंसर, आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए अपना।
देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपने कैसे फोर्स लगाया यहां पर, इस वाले एंड पर एफ, और इस वाले एंड पर कितना लगाया, एफ लगाया। यहां से आ तक की दूरी क्या है, आर वन है, और यहां से आ तक की दूरी क्या है भैया, आर टू है। ठीक है, इसके वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो कितना होगा, अब अभी बताया था ना ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो कितना आएगा, टाउ वन ले लिया, यहां पे क्या ले लो टाउ वन, टाउ वन की वैल्यू क्या होगी, आर वन, फोर्स कितना है एफ, और साइन क्या होगा 90, साइन 90 क्या हो गया वन, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे घुमाएगा इसको, यहां पर टाउ टू आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर्म की लेंथ कितनी भैया, एक्सिस रोटेशन दूरी कितनी है, आर टू, फोर्स कितना है एफ, और एंगल कितना है भैया 90, तो वन हो गया। ठीक है भैया, टोटल टॉर्क कितना होगा, अब माइनस क्यों आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सब पॉजिटिव होता है, कौन कह रहा माइनस, अच्छा विशेष, समझ सकता हूँ तेरी हालत, टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ वन प्लस टोटल टॉर्क यही होगा ना, टाउ वन प्लस टाउ टू, तो टाउ वन की वैल्यू क्या है, आर वन एफ, और टाउ टू की वैल्यू क्या है, आर टू एफ। एक काम करते भैया, एफ कॉमन ले लेते हैं, एफ कॉमन ले लो, तो क्या हुआ, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू क्या भैया, यहाँ पर आर वन प्लस आर टू की वैल्यू बताता हूँ भैया, वो क्या है, आर के बराबर है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है भैया, आर के बराबर है। तो भैया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, आर इंटू में एफ, आर क्या है, आर क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच की दूरी, देखो दो फोर्स लग रहे ना, दोनों फोर्स के बीच की दूरी, और एफ क्या है, एक फोर्स, कोई एक फोर्स। तो टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है भैया, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इट बिन इन बिटवीन फोर्सेस, जो फोर्सेस है ना उनके बीच के परपेंडिकुलर दूरी, ये देखो ये पहला फोर्स ये रहा, ये फोर्स ये रहा, इसके बीच की दूरी क्या है भैया, आर, और उनमें से एक कोई फोर्स, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया भैया, क्या आ गया, आइदर फोर्स, एक फोर्स है ना, दो फोर्स तो नहीं है, और उनके बीच की दूरी, आइदर फोर्स इंटू में उनके बीच की दूरी, यही क्या होता है भैया, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, कहाँ लिख दो भाई, कहाँ पे, ठीक है, टॉर्क क्या हो गया, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन बोथ फोर्स। ठीक है भैया, ये टॉर्क का जनरल फॉर्मूला, ध्यान रखना भैया, ठीक है, ये टॉर्क का जनरल फॉर्मूला है, कहीं पर भी टॉर्क अगर मैं बोल दूं भाई टॉर्क निकालना है, तो आप क्या करोगे, यही फॉर्म लगाओगे, क्या लिखोगे, आइदर फोर्स, क्योंकि टॉर्क लाने के लिए हमेशा दो फोर्स चाहिए। अब आप बोल रहे भैया दरवाजे में दो फोर्स कहाँ लग रहे हैं, मैं तो एक साइड में फोर्स लगाता हूँ, दरवाजा फिर भी टर्न हो जाता है, टॉर्क फिर भी आ रहा है, और मैं टॉर्क के फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, कोई बताया मुझे, एक ही तो फोर्स लगा रहा हूँ मैं, एक हैंडल पे लगा रहा हूँ, दूसरा फोर्स का, लेकिन यहाँ पर मैं आइदर फोर्स बोल रहा हूँ। देखिए भैया सुन लीजिए, फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में आता है, जब मैं इधर से एक्शन लगाता हूँ दरवाजे के एक एंड पर, तो कब्जे वाले दूसरे एंड पर अपने आप क्या लगता है, दूसरा फोर्स लगता है, वो रिएक्शन फोर्स होता है, और आपको पता है एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक्शन और रिएक्शन। देखिए जब मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, तो उल्टा यहां पर एक फोर्स लगने लगा था अपने आप ही, रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है, मैंने यहां पर फोर्स लगाया तो उल्टा यहां पर एक फोर्स लगने लगा था रिएक्शन की फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड उतना ही था जितना मैंने, आपको पता है एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, तो इसीलिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, आइदर फोर्स, क्योंकि दोनों में से कोई एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, सेम है, इनटू में उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब कब्जे और हैंडल के बीच की दूरी, हैंडल पर आप फोर्स लगाते हो ना भैया, समझ गया, तो टॉर्क का ये जनरल फॉर्मूला बनता है, इसे ध्यान रखना बस, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का है, आइदर फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन इन बिटवीन देम। इसी फॉर्मूले के ऊपर आगे हम करने आ रहे हैं भैया डिफरेंट फॉर्म ऑफ टॉर्क, ध्यान दीजिए भैया प्लीज, बोलिए मत बेटा, बहुत पहलू बोलना, देखिए कुछ भी नहीं है, बस खत्म होने वाला है ये भी टॉपिक, ठीक है, अब देखिए क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, खैर अभी करने से पहले वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, मूवमेंट मतलब क्या हुआ, टर्निंग इफेक्ट, क्या है भैया, यहाँ पर हम फोर्स लगाकर कर रहे हैं, तो अभी आपको पता गया क्वेश्चन, मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, ये कराने की आवश्यकता नहीं है,
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है भैया, पॉजिटिव क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना, बस खत्म। ये देखो जो फॉर्मूला अभी ड्राइव कराया मैंने, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, ठीक है भैया। अगला आ रहा वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है भैया। देखिए ये ध्यान से देखिएगा भैया, ये आपको 11वीं में 12वीं में भी काम आएगा। वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। थोड़ी मैथमेटिक्स लगी हुई है तो ध्यान रखना। ये देखिए आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, और ये आर्म है जिसको आपको घुमाना है, आर, ठीक है। आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, क्या लगाया, अब आपको पता फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, घूम जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ए कहाँ पे आ जाएगा, ए डैश पर। यहां से आ तक का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स, मान लीजिए कितना आ गया, डेल्टा एक्स। इस फोर्स को लगाने पर आपका ये ए पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ए डैश। इसकी लंबाई अभी भी रहेगी वही, और ये क्या होगा भैया, डेल्टा थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है ना। चलो आप दूसरे फोर्स को बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आता है कि भैया दूसरा फोर्स रिएक्शन की फॉर्म में आएगा, समझ गया। अब देखिए भैया वर्क, मैंने कहा कि जब यहां से यहां पे था तो टाइम क्या था, टी, और यहां पर आ गया तो टाइम क्या हुआ, टी प्लस डेल्टा टी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको पता है भैया कि जब ये फोर्स लग रहा था तो ये घूम रहा था, लगातार घूम रहा था, तो मैंने कहा एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर जो वर्क होता है आपको बता दूं, वो डी डब्ल्यू होता है, क्या होता है वो, और वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि तो उस इंस्टेंट पर देखिए टाइम टी और यहां पर टाइम क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, तो जो डेल्टा टी है वो इंस्टेंटेनियस टाइम है, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब होता है कि जैसे मैं चल रहा हूं, अब जब मैं चल के यहां से चला और यहां से चला, तो उस दौरान में जब मैं चल रहा था तो किसी बीच के टाइम की बात कर रहा हूं, किसी भी इंस्टेंट के टाइम की बात कर रहा हूं, तो उस इंस्टेंट पर कितना वर्क हुआ, तो क्या हो भैया, फोर्स तो आपका एफ ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस वाले छोटे से टाइम में, डेल्टा एक्स, तो वर्क कितना होगा, एफ इंटू में, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो अब देखिए यहां पर क्या भाई, पानी मर जाएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। देखिए भैया आपको बता दूं, एक रिलेशन होता है, आर क्या होता है, रेडियस इंटू में एंगल, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, आर क्या होता है भैया, रेडियस इंटू में एंगल, ये आपका ये क्या है, ये आर्क है, रेडियस है, ये आर्क है, क्या है ये, तो आर्क में यहां पर आर्क क्या है, सॉरी ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, इसमें आर्क कौन सा है, यहां पर ये क्या है, आर्क है, ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू में आर, रेडियस क्या है भैया, आर, और एंगल कितना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को क्या लिखे, सीधा एफ आर डेल्टा थीटा, बोलो, हाँ, आर इंटू में एफ क्या होता है, टॉर्क, अभी पीछे बताया था, फोर्स इंटू में, फोर्स इंटू में रेडियस क्या होता है, टॉर्क, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया, टॉर्क डेल्टा थीटा, ये वर्क का फॉर्मूला आ गया टॉर्क के केस में। मतलब अगर आपको टॉर्क पता है, आपने कितना एंगल शिफ्ट किया वो पता है, तो आप आसानी से वर्क को निकाल सकते हो। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इफ थीटा इक्वल्स टू में क्या भैया, डेल्टा थीटा पाई कितना है, और टॉर्क की वैल्यू कितनी लग रही है, 10 जूल, कितनी लग रही है, जूल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता वर्क की ही यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो बताओ वर्क कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, आपको पता वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू में डेल्टा थीटा, टॉर्क कितना है 10, और एंगल कितना है भैया, पाई, 10 पाई जूल, ये वर्क आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। थोड़ा इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, इंटीग्रेशन फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसी को लिखते हैं भैया, वी नो डेल्टा डब्ल्यू क्या आया था, टॉर्क इंटू में डेल्टा थीटा, ठीक है। मैं कह दू इफ डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो आप क्या करते हो, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में टॉर्क इंटू में डी थीटा। अगर जब कोई चीज बहुत छोटी होती है ना, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने पर्टिकुलर इंस्टेंट का वर्क निकाला ना, ये लगातार घूम रहा है, आपको कुल वर्क निकालना, तो क्या करोगे,
इंटीग्रेट करोगे, प्लस करोगे ना, इंटीग्रेट तो करना है, तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क के लिए आप क्या करोगे, क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, इसको ऐसे रहने दीजिए डी थीटा, और ये क्या हुआ, ये यहाँ पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, थीटा को, तो थीटा वन से लेके कहाँ तक कर रहे हो, थीटा टू तक, तो ये आपका वर्क आ जाएगा। खैर आपको याद यही करना है, मेन यही है कि वर्क जो होता है टॉर्क के केस में क्या होता है, टॉर्क इंटू में डेल्टा हीटा। टॉर्क क्या है, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आ रहा है, और डेल्टा हीटा क्या है भैया, जितना एंगल वो शिफ्ट हुआ है आर्म से भैया। तो ये टॉर्क से वर्क निकालने का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दोबारा देखिए भैया एक बार जरा से, मुझे पता कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं अभी, ठीक है इसे मिटो रहा हूं मैं। पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क, दो फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क, ध्यान दीजिए भैया, गर्मी सही में लग रही है यार आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ध्यान दीजिए भैया, ये आर्म है, आर, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर, चलो इसको ऊपर वाले कोऑर्डिनेट बना लूँ, इसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये भाई है, ये आपका क्या है भैया आर्म है, ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, और आपने इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा दिया, ये फोर्स है, ठीक है, ये आर्म है, ये फोर्स है, ध्यान दियो बुड्ढे, बहुत आसान है लेकिन हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो भैया हम देख रहे हैं जो आर्म है उसकी डायरेक्शन क्या ही है ना, रेडियस जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, तो इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है भैया, ऐसे, इनके बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा, तो थीटा क्या है भैया, एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, उनके बीच का एंगल क्या है भैया, थीटा। अच्छा ये क्या होगा, कोई बताया मुझे, ये क्या होगा, ये वाला एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, ये दोनों ही एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा इस आर्म पर लग रहे हैं, बताओ इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा फोर्स का कंपोनेंट इस आर को घुमा सकता है, क्यों, क्योंकि साइन क्या लग रहा है, देखिए भैया ये ऐसे आर्म, आर्म ऐसे है, और एक एफ कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ऐसे लगेगा तो घुमाएगा तो है नहीं, बाहर की तरफ खींचेगा, अपने को तो घुमाना है ना, घुमाना तो क्या करेगा, एफ साइन थीटा कैसे लग रहा है, ऐसे घुमा देगा। तो भैया हमें टॉर्क का क्या फॉर्मूला पता है, आपको पता है, ये एक्शन हो गया, ये क्या हो गया, तो रिएक्शन कहाँ आएगा, इधर, ये क्या होगा एफ साइन थीटा, ये क्या है भैया रिएक्शन, क्या है ये, लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो फोर्स हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, वी वी नो, क्या टॉर्क, क्या होता है आइदर फोर्स, क्या होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, इनके बीच में परपेंडिकुलर, तो आइदर फोर्स क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं जो घुमाने वाला काम कर रहे हैं, कौन है, एक एफ साइन थीटा रिएक्शन और एक एफ साइन थीटा एक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भैया सेम है, तो इसलिए दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो एफ साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है आर है, मैग्नीट्यूड लेना आपको केवल, क्या लेना है, तो ये हो गया आपका टॉर्क, क्या आ गया आर एफ, छी आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क की पोलर फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी नहीं आसान है, क्या किया भैया, देखिए क्या किया, ध्यान दीजिए एक बार और बता दे रहा हूं मैं, ये क्या है भैया एक्स है, ये क्या है, ये क्या है आर्म है, ये क्या लगा दिया फोर्स, ये रेडियस की डायरेक्शन थी, ये रहा ये फोर्स है, इधर क्या होगा एफ कॉस, इधर क्या होगा एफ साइन थीटा, कौन घुमाएगा आपको पता है, इधर भी एफ साइन थीटा आएगा एक्शन रिएक्शन में, एक्सिस ऑफ रोटेशन में, तो क्या होता है भैया इधर फोर्स क्या हुआ एफ साइन थीटा, और उनके बीच की दूरी क्या है आर, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा आर एफ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इसे ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मेथड नंबर फर्स्ट है, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड देखिए, दो मिनट यार ढंग से बैठ नहीं पाते, कोई ना कोई पंचायत चालू हो जाएगी।
औरत ही था, तू भी अनुज है ना। गुण पूरे वही हैं। देखिए भैया ध्यान दीजिए, मैथड नंबर पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क, मैथड नंबर, रिजल्ट वही आएगा लेकिन तरीका इस बारी क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। समझ गए भैया, इस बार तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, अब देखिए भैया, ये भी आपका एक्स है और ये क्या भी आपका वाई है। इस बारी हम क्या करेंगे भैया, इस बारी हम जो पहले हम क्या करते थे, फोर्स को रिजोल्व करते थे, इस बारी हम फोर्स को रिजोल्व नहीं करेंगे, इस बारी हम किसको करेंगे, रेडियस को रिजोल्व। किसको करेंगे? ठीक है, तो ये हो गया आपका आर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एफ। अरे यार क्या हो रहा है, ये हो गया आपका एफ। ठीक है, अपने को पता है यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इसको रिट्रेस कीजिए थोड़ा बात को। यहां से एक परपेंडिकुलर सेपरेशन डाल दीजिए, देखिए भैया सुन लीजिए भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर इनके बीच में एंगल कितना था भैया, थीटा था, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन को क्या किया, रिट्रेस किया, फोर्स को रिट्रेस करके यहां तक ले आया और यहां से एक लाइन खींच दी यहां तक, ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझिए भैया, अच्छा आप देखिए ये क्या है भैया, आर है, ये क्या है, थीटा है, तो आपको पता है ये बेस हो गया और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, ये ट्राइंगल देखे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा, तो ये क्या होगा, बेस क्या होता है भैया, आपको पता है बेस, हाइपोटेनियस कॉस थीटा, बेस क्या होता है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, आर है, और हाइपोटेन ये क्या होगा, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा, तो हाइपोटेनियस क्या है, आर और ये साइन थीटा। ठीक है, अब जो आर में वो ये माना जाएगा, ये आर में आपका, ठीक है भैया, अब देखिए भैया हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या पता है, आइदर फोर्स, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए भैया आइदर फोर्स क्या, एक फोर्स ये लग रहा है तो दूसरा फोर्स क्या होगा, रिएक्शन की फॉर्म में ये आ जाएगा। अब भाई जब ये एक्शन है तो उसके अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन ही होगा ना, तो उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, आर साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, आइदर फोर्स क्या भैया, एफ, और उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, आर साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टॉर्क इक्वल्स टू में आर एफ साइन थीटा, ये भी पोलर फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, रिवीजन कर दे रहा हूँ, देखिए भैया प्लीज, ये क्या भैया आपका एक्स है, ये क्या है वाई, ये क्या है आपका फोर्स है, ये क्या आपकी भैया रेडियस है, सॉरी उल्टा हो गया। हाँ देख ले, ये रेडियस है, ये क्या भैया फोर्स है, ये इनके बीच का एंगल क्या भैया थीटा, मैंने क्या कर दिया, लाइन खींच दी यहाँ से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर सेपरेशन कर डाल दिया, ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो गया, ये बाकी एक्स्ट्रा वाली को मिटा दो। समझ गया, ये कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, अब कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, अब ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर है, और ये क्या होगा, आर कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये एक्शन है तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन आएगा, तो आइदर फोर्स में क्या होगा, ये वाला फोर्स या ये वाला फोर्स, और उनके बीच की दूरी क्या है, आ गया आर एफ साइन थीटा। ठीक है भैया, ये मेथड नंबर 2 है, मेरे को ज्यादा बढ़िया मेथड पहला वाला लगता है,
तो आप पहले वाले से कर सकते हो फोर्स को रिसोल्व करके, ठीक है, उसमें ज्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या हुआ? कोई बात नहीं, खड़ी रहने दो। ओए भाई प्लीज, बोली नहीं कोई भी। देख भैया, ओए कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है ये कर लो, उसके बाद फिर छुट्टी होगी। ठीक है भैया, टॉर्क पूरे निपटा दूं ना? देखिए भैया, अगर आप इसको कर लोगे तो अगला वाला जो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम आएगा वो बहुत आसान होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम यही है। ठीक है, बस वहां पे टर्म चेंज होगी, बाकी इधर देख लो इस ऊपर, ठीक है, बस केवल वहां पर क्या होगी, टर्म चेंज होगी। फोर्स किस यहाँ पे क्या यूज करोगे? मोमेंटम। क्या यूज करोगे? देखिए भैया ये भी आसान है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं पूछूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बगैर ये नहीं हो सकता, और जिसने नहीं बताया तो उसको बक्कल भी उतार दूंगा यहीं पे 2 मिनट के अंदर ही। ठीक है, ओए कार्टेशियन फॉर्म भाई प्लीज देखिए, ये आपका एक्स है, ये क्या है भैया? वाई है, और ये क्या है भैया? सेड। ये वेक्टर जो है ये रेडियस वेक्टर, ये कहां पर है भैया? 3D में। तो इस रेडियस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? एक्स आई वाई जे और जेड के। ये फोर्स लगाया मैंने इसके ऊपर ताकि टॉर्क आए, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। अपने को पता भैया टॉर्क क्या होता है? अच्छा आप वेक्टर फॉर्म नहीं लिखवाए ना टॉर्क की, देखिए टॉर्क की वेक्टर फॉर्म होती है, टॉर्क वेक्टर फॉर्म होती है आर क्रॉस एफ। क्या होती है? वी नो टॉर्क की वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर क्रॉस एफ। तो देखिए भैया पहले क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लगाइए आई जे और के। तो आर की वैल्यू क्या है भैया? एक्स वाई जेड, और फिर क्या है? एफ है, तो एफ क्या लिखिए? एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अपनी कॉपी के पीछे सारे क्रॉस करो इसको जल्दी से। देखिए भैया मैंने कहा था क्या कर दिया, कह रहा भैया इसको पहले हाइड करना, आपको इसको हाइड किया आई को, ठीक है इसको हाइड कर दिया, तो वाई की मल्टीप्लाई क्या होगी? वाई एफ जेड, फिर इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी? इसमें होगी, तो जेड एफ वाई, बीच में क्या आएगा? माइनस। क्या सबने ऐसे किया? नहीं, ज्ञान मत देना मेरे को, जो गलत होगा मैंने देख रखा है, कई बच्चों ने प्लस प्लस लगा रखा बीच में भाई, फिर देखा ओए, फिर जे को छुपाना है, फिर माइनस जे, भाई प्लीज ओए, अरे जे को छुपाना है, एक्स की मल्टीप्लाई एफ जेड, फिर अब अभी बोल रहा पहले तो गलता सारा जेड एफ एक्स, फिर के को छुपाओ, ठीक है के को छुपाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखिए भैया सुन लीजिए, कईयों का सही भी है लेकिन फिर भी पिटे, रीजन क्या पता? पैटर्न सही नहीं है उनका भाई, करने का तरीका होता कुछ, जैसे आप करके आ रहे हो ना, आपके सही पे भी कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, गधे घोड़े नहीं हो आप। मैंने 100 बार बोला है कि भैया जैसे मैं करता हूँ ना वैसे ही करना है, यदि आप अपना गणित लगाओगे तो पक्का गलत माना जाएगा। अगर मैं 2 लाइन खींच रहा हूँ तो उसका मतलब 2 ही लाइन खींचनी है, 4 लाइन नहीं खींचनी उसमें। मैं अगर यहाँ पे टॉर्क लगा रहा हूँ तो टॉर्क लगाना ही लगाना है, मैं अगर इस तरीके से कर रहा हूँ तो ऐसे ही करना है। अब देखिए क्या होगा इसमें, आई आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, इधर देख लो बेटा, अब माइनस कॉमन ले लो यहां से, ये माइनस क्या होगा? कॉमन आएगा तो इधर क्या होगा? प्लस जी हो जाएगा। क्या होगा? अब ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स जेड, और प्लस के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अब इसको लिखना क्या भैया? टॉर्क को, इसको आपको पता है जब कार्टेशियन फॉर्म कर रहे हो 3D में, ये 3D में, तो टॉर्क भी क्या होगा? 3D होगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप, टाउ जेड के कैप। तो टाउ एक्स की वैल्यू क्या होगी? सुन लीजिए, टाउ एक्स की वैल्यू इसके बराबर होगी, तो क्या होगा? टाउ एक्स क्या होगा?
वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई टाउ जेड, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये इसके बराबर कर दो तो क्या होगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड और टाउ जेड की वैल्यू क्या होगी भैया, तो क्या होगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये हो गया आपका भैया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क। इस तरीके से आपको लिखनी है, ठीक है भैया। कल फिर मारूंगा क्लास में बीच में, हाँ ठीक है, और रोज मारूंगा, ठीक है।